alaikum students and uh, this is my 13 online lecture and the topic of today's lecture is physical plant and its equipments physical plant and its equipment physical plant and its equipment include location physical space equipments and their space allocation एंड प्रोविजन ऑफ फैसिलिटीज़ एंड सर्विसेज इसका मतलब है बेटा फिज़िकल प्लांट एंड इट, 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 इट्स इक्पमेंट्स में यहाँ पर हम बात करें कि अगर हॉस्पिटल में एक हॉस्पिटल फार्मेसी आपको स्टार्ट करना है रन करना है तो उसका फिज़िकल या जो लेआउट होगा उसका सेटअप कैसा होना चाहिए और फिज़िकल प्लांट में हमारे पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए सबसे मेन चीज़ जो है उसको लोकेशन है हॉस्पिटल फार्मेसी की उसका स्पेस फ़िज़िकली कितना स्पेस होने चाहिए इक्विपमेंट्स किन किन की ज़रूरत होगी इसके अलावा इस्पेस कहाँ कहाँ पर कितना इस्पेस दिया जाएगा और इसके साथ कौन कौन सी सर्विसेज इन पेशेंट आउट पेशेंट या एम्बुलट्री या एमरजेंसी पेशेंट्स को प्रोवाइड की जाएंगी तो ये तमाम चीज़ें जो हैं फ़िज़िकल प्लांट और इट्स इक्विपमेंट में इंक्लूड होंगी प्लानिंग ऑफ फ़िज़िकल प्लांट फिज़िकल प्लांट के लिए सबसे प्लानिंग जो बेटा हम कर रहे होते हैं हमारे पास थ्री टाइप्स की प्लानिंग हमारे पास आ रही होती है फैसिलिटीज़ की इक्विपमेंट प्लानिंग आर्किटेक्चरल प्लानिंग एंड कंट्रोल्ड इन्वायरमेंटल डिज़ाइन सबसे पहले तो इक्विपमेंट प्लानिंग है कि किन किन इक्विपमेंट की हमें ज़रूरत पड़ेगी जो जो वहाँ पे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी है उसके अकॉर्डिंग जो फंक्शंस रन करने हैं उसके अकॉर्डिंग हमें इक्विपमेंट्स हमें देखने होते हैं इसके बाद आर्किटेक्चरल प्लानिंग होती है आर्किटेक्चरल प्लानिंग में जो होता है बेटा यूजुअली आर्किटेक्ट यूजुअली बिगेस टू वर्क वैन द साइट एंड द टाइप एंड कॉस्ट ऑफ आ बिल्डिंग हैवेन डिटर्मन यानी जब हमें एक हम डिसाइड कर लेते हैं कि हमारे पास इस जगह पर हमें जो है फार्मेसी स्टार्ट करनी है और हमारे पास टोटल डो, बजट कितना है तो उसके बाद आर्किटेक्चरल प्लानिंग इस्टार्ट होती है दैन कंट्रोल्ड इन्वायरमेंटल डिज़ाइन है कि हमें कौन कौन सी एरिए वहाँ पर जो है एरिया बनाने हैं उस एरिया में आपके पास जो है वो स्ट्राइल नॉन स्ट्राइल एरिया है ड्रग की जो स्टोरेज करनी है तो वहाँ पे टेम्परेचर मेंटेन और तमाम इन्वायरमेंट को मेंटेन करने के लिए कंट्रोल्ड इन्वायरमेंटल डिज़ाइन की ज़रूरत होती है आगे चलते हैं बेटा प्लानिंग में हमारे पास टू टाइप्स की प्लानिंग आ जाती है मास्टर प्लानिंग एंड फंक्शनल प्लानिंग मास्टर प्लानिंग में बेटा हमारे पास गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स आ जाते हैं कि उस हॉस्पिटल फार्मेसी के गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं अकॉर्डिंग टू हॉस्पिटल डिमांड इसके बाद फंक्शनल प्लानिंग आ जाती है फंक्शनल प्लानिंग में बेटा हमारे पास ऑपरेशनल डिमांड्स एंड इक्विपमेंट प्लानिंग आ जाएगी ऑपरेशनल डिमांड्स में जितनी भी वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है जितनी टाइप्स की वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं इन हाउस प्रिपरेशन हो रही है वो कौन कौन सी है और इसके साथ इक्विपमेंट्स में हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है किन किन इक्विपमेंट्स की ज़रूरत है आगे चलते हैं स्टेप्स फॉर डेवलपिंग फंक्शनल प्रोग्राम फॉर हॉस्पिटल फार्मेसी और हॉस्पिटल फार्मेसी को रन करने के लिए हमारे पास किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी कौन कौन से स्टेप्स होंगे आइडेंटिफाई हॉस्पिटल पर्पस एंड गोल्स डिटरमिन फार्मेसी ऑब्जेक्टिव्स एंड प्लान ऑफ ऑपरेशन डिटरमिन फंक्शंस टू बी परफॉर्म्ड एंड वर्कलोड डिटरमिन वर्क फ्लो एंड प्रोसीजर्स determine work areas needed and staff accommodation determine the space equipment service and material needed arrange work area to maximize the performance evaluate effectiveness of design review of all steps हॉस्पिटल फार्मेसी को बेटा रन करने के लिए सबसे पहले जब हम जो चीज़ें स्टार्ट करेंगे उसमें सबसे पहले जो हम चीज़ देते हैं जो स्टेप आ रहे हैं उसमें आइडेंटिफाई हॉस्पिटल पर्पस एंड गोल्स के वो जो स्पेसिफिक हॉस्पिटल है उसका पर्पस क्या है उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके क्या गोल्स हैं किन चीज़ों को अचीव करना है तो सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई करते हैं फिर हॉस्पिटल में जो हॉस्पिटल फार्मेसी स्टार्ट हो रही है उस हॉस्पिटल फार्मेसी के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं और इसके साथ साथ किन किन ऑपरेशंस को वहाँ रन करना है उसके अकॉर्डिंग जो प्लान बनाया गया है इसके बाद हम देख रहे होते हैं कि डिटरमिन फंक्शंस टू बी परफॉर्म एंड वर्क लोड कौन कौन से फंक्शंस वहाँ परफॉर्म होंगे इन हाउस प्रिपरेशन अगर हो रही है बेटा वहाँ पर तो आइदर उसमें स्ट्राइल नॉन स्ट्राइल एरिया होगा फिर इस्टल नॉन इस्ट्राइल में भी डिफ्रेंशिएट कर देते हैं अगर इस्ट्राइल में हम इंजेक्टेबल्स की तरफ अलग चले जाते हैं ऑपथेलमिक्स की तरफ अलग जाते हैं नॉन फिर नॉन स्ट्राइल में आपके पास जो डोजिज फॉर्म के हिसाब से हम उसे सेपरेट करें तो पहले हम देखते हैं कि कौन कौन से फंक्शंस वहाँ परफॉर्म होंगे और जो स्टाफ है उस पर वर्क लोड कितना होगा डिटर्मन वर्क फ्लो एंड प्रोसीजर्स वर्क फ्लो किस तरह वहाँ पे हो रहा है इसके अलावा कौन कौन से प्रोसीजर्स हैं जिस जो अडोप्ट किए जा रहे हैं उस वर्क फ्लो को मेंटेन करने के लिए डिटरमिन वर्क एरियाज नीडेड एंड स्टाफ अकोमोडेशन कितने एरिया एरियाज़ की वहाँ पे ज़रूरत होगी कौन कौन सा सेपरेट एरिया वहाँ बनाना पड़ेगा कि इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग हो रही है इसके अलावा लेबलिंग हो रही है इसके अलावा पैकेजिंग हो रही है क्वारटाइन एरिया है तो ये तमाम एरियाज़ जिनकी जरूरत होगी और इसके अलावा स्टाफ को कैसे अकोमोडेट करेंगे स्टाफ जो वहाँ पर अपॉइंट हुआ है उस फंक्शन को रन करने के लिए उनके लिए कितने एरियाज की ज़रूरत होगी द स्पेस इक्विपमेंट सर्विस एंड मटीरियल नीडेड इन तमाम जितने भी फंक्शन रन हो रहे हैं वहाँ पर उसके लिए कितने स्पेस की ज़रूरत होगी कौन कौन से इक्विपमेंट्स हमें चाहिए होंगे उनके स्टैंडर्ड्स क्या होंगे कौन सी मटेरियल की ज़रूरत होगी और जो सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं इन सब को मालूम करेंगे अरेंज वर्क एरिया टू मैक्सिमाइज़ द परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस को बेटर करने के लिए या मैक्सिमाइज करने के लिए हमें वर्क एरिया अरेंज करना होगा जितने भी फंक्शंस हॉस्पिटल फार्मेसी के लिए रन करने हैं वहाँ पर इवेलुएट इफेक्टिवनेस ऑफ डिज़ाइन इसके अलावा जो डिफरेंट प्रोसीजर्स जो वहाँ पर डिज़ाइन किए गए हैं वो कितने इफेक्टिव हैं जो प्रोसीजर अडॉप्ट स्टैंडर्ड अडोप्ट किए गए हैं वो कितने इफेक्टिव हैं उसके इवेलुएट करेंगे At the end, review of all steps. जितने भी स्टेप्स हैं उसको दोबारा रिव्यू किया जाएगा लोकेशन कन्वीनियनटली प्रोवाइडिंग सर्विस टू मैनी डिपार्टमेंट्स एंड पर्सनल इजिली एक्सेबल टू इन पेशेंट्स एज वेल एज आउट पेशेंट्स फार्मेसी एट द फर्स्ट फ्लोर ऑफ द हॉस्पिटल इज एन आइडियल कंडीशन बेसमेंट इज़ नॉट डिजायरेबल फॉर फार्मेसी कॉन्सेप्ट ऑफ सब फार्मेसीज और सेटेलाइट फार्मेसी में बी इम्प्लीमेंटेड अगर हॉस्पिटल फार्मेसी के हम बात करें लोकेशन की बेटा तो सबसे हॉस्पिटल फार्मेसी हॉस्पिटल में ऐसे फ्लोर पर या ऐसे स्पेस पे हम लें जहाँ पर एक्सेस हो पेशेंट का इजीली डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का एक्सेस हो उन्हें मेडिसिन चाहिए या सर्जिकल आइटम्स चाहिए या अलाइड आइटम जिनकी भी हॉस्पिटल में ज़रूरत हो वो ईज़िली एक्सेसबल हो वो फ़ार्मेसी चाहे वहाँ पर इन पेशेंट के लिए रिक्वायरमेंट हो या आउट पेशेंट को चीज़ों की ज़रूरत हो ईज़ी एक्सेस हो इसके अलावा यहाँ पे ये कह रहे हैं कि बेटा अगर फर्स्ट फ्लोर पर हो फार्मेसी तो सबसे आइडियल कंडीशन होती है अगर फर्स्ट फ्लोर पर किसी और कोई और वहाँ पर किसी ऑपरेशन थिएटर या कोई और चीज़ वहाँ पे नहीं बनी हुई तो बेस्ट ये है कि फ़र्स्ट फ्लोर पर बना लिया जाए बेसमेंट इज़ नॉट डिज़ायरेबल फार्मेसी बेसमेंट जो है वो फार्मेसी के लिए डिज़ायरेबल नहीं है कन्वीन नहीं है क्योंकि बेटा एक तो वेंटिलेशन का मसला हो जाता है इसके अलावा जो है वो जो डिफरेंट कंटामिनेशन के चांसेस बेसमेंट में ज़्यादा बढ़ जाते हैं वेंटिलेशन का मसला होगा सनलाइट के एक्सेस का मसला हो जाता है कॉन्सेप्ट ऑफ सब फार्मेसीज और सेटेलाइट फार्मेसी कैन बी इम्प्लीमेंटेड अगर ऐसा हॉस्पिटल है कि वहाँ, पे वहाँ पर स्पेस बहुत ज़्यादा है बड़ा हॉस्पिटल है नंबर ऑफ़ डिपार्टमेंट्स वहाँ पर ज़्यादा हैं तो वहाँ पर सेंट्रल फार्मेसी या मेन फार्मेसी के साथ जो है बेटा सेटेलाइट फार्मेसी या सब फार्मेसीज भी बनाई जा सकती हैं ताकि सर्विसेज इजीली प्रोवाइड की जा सकें फ्लोर स्पेस फ्लोर स्पेस की लोकेशन के बाद जो है बेटा फ्लोर स्पेस हम देख रहे होते हैं कि कितना इस फ्लोर स्पेस किसी भी हॉस्पिटल फार्मेसी के लिए ज़रूरत होगी इन पास्ट स्पेस एलोकेशन बेस्ड ऑन नंबर ऑफ बेड्स वर्क लोड ऑफ आउट पेशेंट्स अगर हम प्रीवियसली बेटा देखें तो फ्लोर स्पेस ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी डिपेंड करती थी नंबर ऑफ़ बेड्स इन हॉस्पिटल एंड वर्क लोड ऑफ़ आउट पेशेंट यानी नंबर ऑफ़ बेड्स कितने हैं उस हॉस्पिटल में इसके अलावा आउट पेशेंट का कितना वर्क लोड है क्या फ्रीक्वेंटली आउट पेशेंट वहाँ पर आ रहे हैं तो इन दो चीज़ों पे पहले डिपेंड करती थी फ्लोर स्पेस लेने के लिए लेकिन नाउ इट इज़ फार्मास्यूटिकल सर्विसेज इन द हॉस्पिटल एक्सपेंडेड कंसिड्रेबली इट इंक्लूड्स इंट्रावेनस एडिटिव प्रोग्राम ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर्स क्लिनिकल फार्मेसी प्रोग्राम्स अब अगर बेटा हम देखें तो इन चीज़ों के अलावा के नंबर ऑफ़ पेशेंट्स और वर्क लोड ऑफ़ आउट पेशेंट नंबर ऑफ बेड्स के अलावा जो है अब जो नाउ डेज़ जो होती हैं वो हॉस्पिटल फार्मेसी के फ्लोर स्पेस के लिए हम ये देखते हैं कि क्या वहाँ पर आई वी एडिटिव प्रोग्राम भी स्टार्ट हुआ हुआ है ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर भी बनाना है क्लिनिकल फार्मेसी प्रोग्राम भी मौजूद है फ्लोर स्पेस के बाद बेटा हम आगे चलते हैं फ्लोर स्पेस इज़ रिक्वायर्ड फॉर दी फॉलोइंग रीज़न क्यों फ़्लोर स्पेस की ज़रूरत होती है किन किन एरियाज़ के लिए क्लीन अप एरिया नॉन स्ट्राइल मिक्सिंग एंड फिलिंग रूम प्री पैकेजिंग एरिया इंजेक्शन रिकॉन्स्टिट्यूशन एरिया लेबलिंग एंड इंस्पेक्शन रूम क्योरेंटाइन स्टोरेज एरिया आगे चलते हैं क्लीन अप एरिया क्लीन अप एरिया इज़ द डिमांड ऑफ अ फार्मेसी इन्वॉल्व इन कंपाउंडिंग एंड मैनुफैक्चरिंग ऑफ एक्सटेम्पोरेनियस प्रिपरेशन द एरिया इंक्लूड पास थ्रू विंडोज एंड फ्लोर एरिया विद अ फ्लोर ड्रेन क्लीन अप एरिया की ज़रूरत होती है बेटा कंपाउंडिंग या मैनुफैक्चरिंग जो एक्सटेम्पोरेनियस प्रिपरेशन की हो रही है वहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ती है इसके अलावा वहाँ पर पास थ्रू विंडोज़ होनी चाहिए और फ्लोर विद फ्लोर ड्रेन के साथ नॉन स्ट्राइल मिक्सिंग एंड फिलिंग रूम दिस एरिया इज़ स्पेसिफाइड फॉर द मिक्सिंग एंड फिलिंग ऑफ द नॉन स्ट्राइल एक्सटेम्पोरेनियस प्रिपरेशन इट इज ऑल्सो एलोकेटेड फॉर वेहिंग मेजरिंग होमोजेनाइजेशन एंड फिल्ट्रेशन नॉन स्ट्राइल मिक्सिंग एंड फिलिंग रूम जो होता है वो नॉन स्ट्राइल जो एक्सटेम्पोरेनियस प्रिपरेशन होती हैं उनके लिए होता है इसके अलावा नॉन स्ट्राइल एक्सटेम्पोरेनियस प्रिपरेशन के लिए जितने भी मटेरियल की वेहिंग होती, होती है उनकी मेजरिंग है उनकी मिक्सिंग है होमोजेनाइज करना या फ़िल्ट्रेशन के लिए सीरी की ज़रूरत होती है प्री पैकेजिंग एरिया एन एरिया इन फार्मेसी फॉर द पैकेजिंग ऑफ ओरल डोजेज फॉर्म इन टू कंटेनर्स पैकेजिंग एरिया ज्यादातर जो होता है जो ओरल डोजेज़ फॉर्म्स वगैरह होती हैं वो उनको कंटेनर में पैकिंग के लिए प्री पैकेजिंग होती है। इंजेक्शन रिकॉन्स्टिट्यूशन एरिया इट्स अ प्लेस फॉर एडिशन ऑफ वाटर फॉर इंजेक्शन फॉर पाउडर्ड इंजेक्टेबल द एरिया मस्ट बी प्रोवाइड विद लेमिनर एयर फ्लो इंजेक्शन रिकॉन्स्टिट्यूशन एरिया यानी बेटा वो जो हम कहते हैं कि इंजेक्टेबल्स जो पाउडर फॉर्म में होते हैं वो बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन उसे चेंज कर देते हैं हम लिक्विड में या सस्पेंशन में उसमें वाटर एड करते हैं और उसकी मिक्सिंग के लिए लेमिनर फ्लो हु प्रोवाइड किया जाता है उस एरिए में लेबलिंग एंड इंस्पेक्शन रूम मैनुफैक्चर प्रोडक्ट्स इज टू बी लोकेटेड एडजस्टेंट टू फिलिंग एरियाज पास थ्रू विंडोज आर यूज फॉर द ट्रांसफर ऑफ अनलेबल प्रोडक्ट्स एरिया मस्ट बी प्रोवाइडेड विद लेबलिंग एसेसरीज मैनुफैक्चरिंग एरिया जो होता है या मैनुफेक्चर प्रोडक्ट्स जो होती हैं वो उसका जो एरिया होता है वो एडजस्टेंट होता है या उसके बराबर में होता है फ़िलिंग रूम के इसके अलावा उस रूम में पास थ्रू विंडोज़ भी होती है ताकि अनलेबल प्रोडक्ट्स जो हो सकती हैं वहाँ से इजीली पास हो जाएं। एरिया मस्ट बी प्रोवाइडेड प्रोवाइड लेबलिंग एसेसरीज़ पास थ्रू विंडोज़ के ज़रिए वो फिर दूसरे रूम में जाती हैं और वहाँ पर वो लेबल कर दी जाती हैं इसलिए लेबलिंग एसेसरीज़ भी मौजूद होनी चाहिए क्यूरेंटाइन स्टोरेज एरिया एंड एन, एन एरिया वेयर द मैनुफैक्चरड और फिल्ड प्रोडक्ट्स इन द फार्मेसी आर डिटेन अंटिल डिकलेरड पास केमिकल एंड बायोलॉजिकल क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग यानी आफ्टर मैनुफैक्चरिंग जो है क्यूरेंटाइन एरिया में तमाम प्रोडक्ट्स जो होती हैं वो स्टोर कर दी जाती हैं और जब बायोलॉजिकल उसकी और केमिकल टेस्टिंग उनकी पास हो जाती हैं डिकलेयर हो जाती हैं तो वहाँ से वो फिर रिक्वायर्ड एरिया में ट्रांसफ़र कर दी जाती हैं सप्लाई कर दी जाती हैं टेम्परेचर कंट्रोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज़ भी हॉस्पिटल फार्मेसी में होनी चाहिए इसमें क्या आ जाएगा इसमें द ड्रग स्टोरेज टेम्परेचर रिक्वायरमेंट्स आर एनी ऑफ द फॉलोइंग जो हमारे पास ड्रग uh, मैन्युफैक्चर की जाती हैं उसमें ड्रग टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट डिफरेंट हो सकती है वो रेफ्रिजरेटर की भी हो सकती है जिसका टेम्परेचर टू टू एट डिग्री सेंटीग्रेड होता है कोल्ड स्पेस की भी रिक्वायरमेंट हो सकती हैं टेम्परेचर नॉट एक्सीडिंग एट डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए कूल cool प्लेस भी हो सकता है जिसका टेम्परेचर एट टू फिफ्टीन डिग्री सेंटीग्रेड होती है रूम टेम्परेचर बहुत सी ड्रग की रिक्वायरमेंट होती है रूम टेम्परेचर की जिसके टेम्परेचर रिक्वायरमेंट 15 टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है एक्सेसिव हीट टेम्परेचर अबव 40 डिग्री सेंटीग्रेड जो होता है वो एक्सेसिव हीट हो जाता है और जो जो कंट्रोल स्टोरेज फैसिलिटीज़ होती हैं उसका टेम्परेचर मस्ट बी बिलो 40 होना चाहिए इन लार्जर हॉस्पिटल द रेफ्रिजरेटर इज़ टू स्मॉल टू अकोमोडेट द इन्वेंट्री रिक्वायरिंग रेफ्रिजरेशन फॉर दिस परपज़ अ कोल्ड रूम इज़ कंस्ट्रक्ट द कोल्ड रूम इज़ आर्टिफिशली कूल्ड एरिया विदा रेगुलेटड टेम्परेचर ऑफ़ ट्वेल्व टू फिफ्टीन डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि बेटा अगर इस्मॉल हॉस्पिटल होते हैं इन्वेंट्री वहाँ पर कम होती है मैनुफैक्चरिंग कम हो रही है तो वहाँ पर रेफ्रिजरेटर को यूज़ करके चीज़ें मेनटेन की जा सकती हैं स्टोर की जा सकती हैं प्रोडक्ट्स को लेकिन अगर बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं तो वहाँ पर जो है रेफ्रिजरेटर जो है बहुत स्मॉल हो सक हो जाता है और वो इन्वेंट्री को मेंटेन करना टेम्परेचर मेंटेन करना उस पॉसिबल नहीं होता तो इसके लिए क्या होता है कि कोल्ड रूम बनाए जाते हैं जो कि आर्टिफिशियली कूल्ड एरिया होता है जिसका टेम्परेचर ट्वेल्व टू तो फिफ्टीन डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन किया जाता है फीचर्स ऑफ कोल्ड रूम कोल्ड रूम के क्या फीचर्स होने चाहिए वॉल्स ऑफ रूम मे बी कंस्ट्रक्टेड ऑफ कॉन्क्रीट कॉन्क्रीट ब्लॉक्स और ब्रिक्स डोर शुड बी फिट टाइटली नो लार्जर देन नेसेसरी विंडोज आर डबल पैन स्विच कंट्रोलिंग द लाइट शुड बी ऑन द आउटर साइड वॉल नेयर टू एंट्रेंस एन एलेक्ट्रिक मोटर ड्रिविन एयर कूल फॉरन कंप्रेसर यूनिट इज़ रिक्वायर्ड फॉर रेफ्रिजरेशन यानी कोल्ड रूम जो होता है उसके फीचर्स क्या होते हैं कि उसकी वॉल जो होते है कॉन्क्रीट की कॉन्क्रीट ब्लॉक्स या ब्रिक्स की बनी होनी चाहिए डोर जो होने टाइट होने चाहिए और जितने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो होते हैं उन डोर का साइजेज होना चाहिए यानी बहुत ज्यादा बड़े डोर नहीं होने चाहिए अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट डोर के साइजेस होना चाहिए विंडोज डबल पैंड होने चाहिए इजीली ताकि स्विच जिससे लाइट ऑन ऑफ की जाती है वो शुड बी ऑन दी आउटसाइड वॉल नियर टू एंट्रेंस यानी जैसे ही एंटर होने होते वहाँ पर आउटसाइड जो वॉल होती है वहाँ पर होना चाहिए इलेक्ट्रिक मोटर ड्रिवन कोल्ड टेम्परेसर होना चाहिए ताकि टेम्परेचर को मेनटेन रख सकें इन्वायरमेंटल कंट्रोल्ड फैसिलिटी इन्वायरमेंटल कंट्रोल फैसिलिटी में वेंटिलेशन होनी चाहिए इक्विपमेंट प्लानिंग आ जाएगी आपके पास इक्विपमेंट सिलेक्शन क्राइटेरिया है और इक्विपमेंट रिक्वायर्ड वेंटिलेशन में क्या होना चाहिए एयर कंडीशनिंग ऑफ द फार्मेसी इज डिजायरेबल फॉर प्रोवाइड्स वेंटिलेशन इवन वन डोर्स एंड विंडोज आर क्लोज प्रॉपर एयर कंडीशन होने चाहिए ताकि वेंटिलेशन प्रोवाइड किया जा सके इवन वन डोर एंड विंडोर्स आर क्लोज हो यूज़ ऑफ़ वेरियस ऑटोक्लेव्स ओवंस एंड स्टीम कैटल्स रेंडर द वर्किंग इन्वायरमेंट टू हॉट क्योंकि वहाँ पर जो एरिया होता है वहाँ पर ऑटोक्लेव भी होते हैं ओव्स होते हैं स्टीम कैटल्स होती हैं जो कि एट अ टाइम अगर काम कर रही हूँ तो इन्वायरमेंट बहुत हॉट हो जाता है जिसकी वजह से टेम्परेचर um, जो तक है वहाँ का बढ़ सकता है तो इसलिए वहाँ पर एयर कंडीशनिंग की जरूरत होती है ताकि इन्वायरमेंट को मेंटेन रखा जा सके परमेंट्स मेंटेनेंस ऑफ अ टेम्परेचर कंपैटिबल विद ऑफिशियल स्टोरेज रिक्वायरमेंट फॉर ड्रग्स मेंटेन होना चाहिए टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ ड्रग्स के रिमूवल ऑफ स्ट्रॉन्ग ओडर्स प्रॉपर वेंटिलेशन होगी तो जो ऑर्डर्स होंगे वो भी वहाँ से रिमूव हो जाएंगे अगर बहुत ज़्यादा किसी की ज़्यादा स्मेल है किसी ड्रग की डोर्स एंड विंडोज़ कैप्ट क्लोज इफेक्टेड आर सेविंग इन द कॉस्ट ऑफ हाउस कीपिंग सर्विसेज विंडोज़ और जो डोर्स होते हैं वो प्रॉपरली क्लोज होने चाहिए ताकि हाउस कीपिंग की सर्विसेज जो हैं वो भी कम से कम प्रोवाइड की जा सके उसकी मेंटेनेंस के लिए इक्विपमेंट प्लानिंग में बेटा हमारे पास आ जाएगी अगर इक्विपमेंट प्लानिंग हम देखें तो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर फार्मेसिस्ट परचेजिंग एजेंट ऑफ मटेरियल डिपार्टमेंट एंड आर्किटेक्ट इक्विपमेंट प्लानिंग में ये चार लोग हमारे पास आ जाते हैं बेटा जो एट अ टाइम कोलेबोरेशन में काम कर रहे होते हैं हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर फार्मेसिस्ट आर्किटेक्ट एंड परचेज एजेंट ऑफ मटीरियल डिपार्टमेंट द इक्विपमेंट प्लानिंग विल लार्जली डिपेंड ऑन इक्विपमेंट प्लानिंग किन किन चीजों पर डिपेंड कर रही होती है नंबर वेराइटीज पर डे ड्यूरेशन ऑफ सर्विसेस ऑफर्ड फ्रॉम दी हॉस्पिटल फार्मेसी यानी हॉस्पिटल फार्मेसीज़ में जो है वो इक्विपमेंट प्लानिंग हम के कौन कौन सी प्रोडक्ट वहाँ पर मैन्युफैक्चर हो रही है इन हाउस प्रिपरेशन में कितनी वहाँ पे डोजेज फॉर्म हो रही है पर डे जो है ड्यूरेशन जो वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उसका क्या है और इसके यूटिलाइजेशन कितना है इसके हिसाब से इक्विपमेंट प्लानिंग की जाती है इक्विपमेंट रिक्वायर्ड इक्विपमेंट रिक्वायर्ड फॉर द फार्मेसी आर कैटेगराइज इनटू जो इक्विपमेंट फार्मेसी में रिक्वायर होते हैं बेटा उन्हें डिवाइड किया गया है कैटेगराइज किया गया है इनटू फिक्स इक्विपमेंट एंड मूवेबल इक्विपमेंट्स। फिक्स्ड इक्विपमेंट्स फिक्स इक्विपमेंट रिक्वायरिंग इंस्टॉलेशन एंड इस टू बी अटैच टू द बिल्डिंग एग्ज़ाम्पल हमारे पास आ जाती है कैबिनेट्स हैं काउंटर्स हैं सिंक्स हैं एलिवेटर्स हैं वो इक्विपमेंट्स बेटा जो के ड्यूरिंग बिल्डिंग जब बन रही होती है उस वक्त वो बन रहे होते हैं और वो फ़िक्स कर दिए जाते हैं तो वो हमारे पास इक्विपमेंट में आ जाएंगे फिक्स्ड इक्विपमेंट्स इसके बाद जो है बेटा हमारे पास मूवेबल इक्विपमेंट्स आ जाएंगे कैपेबल ऑफ़ बींग मूव आर नॉट इंटेंडेड टू बी परमानेंटली अफिक्स टू दी बिल्डिंग कार्ड्स हैं डेस्क हैं बैलेंसेज हैं मिक्सर्स हैं ये सब हमारे पास मूवेबल इक्वमेंट्स में आ जाएंगे अदर यूटिलिटीज इसके अलावा हमारे पास जो है हॉस्पिटल फार्मेसीज में इलेक्ट्रिक लाइटिंग एंड सर्विसज प्रोवाइड की जाती हैं ट्रांसपोर्ट सिस्टम होना चाहिए ताकि जो मेडिसन्स वहाँ पर एक रूम से दूसरे रूम में शिफ्ट की जा रही हैं या स्टोरेज के लिए शिफ्ट की जाएंगी तो उसका प्रॉपर ट्रांसपोर्ट सिस्टम होना चाहिए प्लंबिंग का सिस्टम होना चाहिए फिनिश यानी जो चीज़ें एक दर, फिनिशिंग यानी जहाँ पर आपकी चीज़ें कंप्लीट हो रही हैं जो भी आप इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग करें वो एरिया ना चाहिए वर्क काउंटर्स होना चाहिए फ्लोर्स प्रॉपर होने चाहिए वॉल्स प्रॉपर होने चाहिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो मैं आप कहती कि बेटा ट्रांसफ़र जब कर रहे होते हैं आफ्टर प्रिपरेशन फ्रॉम फार्मेसी टू वेरियस डेस्टिनेशन इन हॉस्पिटल मॉडर्न टेक्नोलॉजी हैज़ मेड अवेलेबल ऑटोमेटेड मीनस ऑफ ट्रांसपोर्टिंग फार्मेसी से आफ्टर मैनुफेक्चरिंग फार्मेसी के बाद बेटा अगर उसे डिफरेंट डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र किया जा रहा होता है तो उसे हम डिफरेंट हमारे पास ऑटोमेटेड सिस्टम आ गए जिसमें इंक्लूडिंग कन्वेयर बेल्ट एंड निमेटिक ट्यूब सिस्टम है जिसमें हमारा कन्वेयर बेल्ट है और निमेटिक ट्यूब सिस्टम है कन्वेयर बेल्ट एंड निमेटिक ट्यूब सिस्टम ड्रग्स एंड सप्लाइज कैन कन्वेट थ्रू मूविंग बेल्ट टू द डिज़ायर्ड डेस्टिनेशन मूविंग बेल्ट के थ्रू जो होता है या निमेटिक ट्यूब सिस्टम के थ्रू जो होता है वो डिज़ायर डेस्टिनेशन पर चीज़ें पहुँचा दी जाती हैं फिनिश वर्क काउंटर वर्क काउंटर्स फॉर राइटिंग डिस्पेंसिंग काउंटिंग ऑफ ड्रग्स रिसप्ट ऑफ ड्रग्स सच मटीरियल दैट डज़ नॉट शो पीलिंग डिस्टोर्शन, एरोजन और स्टिकिंग फॉर्मिका और सिमिलर मटीरियल इज़ एफिशेंट एंड ड्यूरेबल यानी वर्क काउंटर के लिए जो थे फॉर्मिका वगैरह से बने हुए हों स्लेप वगैरह तो वो ज़्यादा ड्यूरेबल होते हैं मेरा यहाँ पर जो है हमारा आज का लेक्चर जो है वो वाइंड अप हो गया इसे हम दोबारा देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमने जो है स्टार्ट से हमने शुरू की थी लेक्चर हमारा क्या था आज का किस किस चीज़ को हमने आज के लेक्चर में कवर किया है हमारा टॉपिक क्या था बट अगर हम देखें टॉपिक जो आज हम आज हमारा मेन टॉपिक है वो था फ़िज़िकल प्लांट एंड इट्स इक्विपमेंट कि सिंपल हॉस्पिटल फार्मेसी के लिए जो लोकेशन की स्पेस की ज़रूरत होती है जिन इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होती है उसको हम हमारे पास वो फिज़िकल प्लांट में आ जाता है और जो इक्विपमेंट्स हमें वहाँ पे चाहिए होते हैं जो सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हैं वो हमारे पास फिज़िकल प्लांट एंड इट्स इक्विपमेंट में आ जाएगा इसके बाद हमने प्लानिंग ऑफ फिज़िकल प्लांट की जो प्लानिंग में जो आ जाएगी वो क्या क्या चीज़ें आती हैं इक्विपमेंट की प्लानिंग करते हैं आर्किटेक्चरल प्लानिंग करते हैं हम और कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट को मेन्टेन करने के लिए हम डिज़ाइन कर रहे होते हैं प्लानिंग जो होती है हमारे पास टू टाइप्स की होती है मास्टर प्लानिंग होती है एंड फंक्शनल प्लानिंग होती है मास्टर प्लानिंग में हम गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स देख रहे होते हैं कि उस हॉस्पिटल के गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और हॉस्पिटल फार्मेसी के गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं फंक्शनल प्लानिंग में ऑपरेशनल डिमांड्स कौन कौन से फंक्शन वहाँ पे रन होंगे किन किन चीज़ों की इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग होगी उसके हिसाब से डिमांड्स क्या हैं और उसके साथ साथ इक्विपमेंट्स कौन कौन से चाहिए तो ये हमारे पास ऑपरेशनल डिमांड्स एंड इक्विपमेंट प्लानिंग में आ जाएगा उसके बाद हमने पढ़ा था कि स्टेप्स फॉर डेवलपिंग फंक्शनल प्रोग्राम फॉर हॉस्पिटल फार्मेसी हॉस्पिटल फार्मेसी के लिए हमें जो रन करना है उसके लिए हमें किन किन स्टेप्स की ज़रूरत होती है क्या क्या चीज़ों को हम देख रहे होते हैं जिसके बाद हम हॉस्पिटल फार्मेसी को हम प्रोग्राम को हम रन कर सकते हैं इसमें सबसे पहले हम पर्पस और गोल आइडेंटिफाई करते हैं ऑब्जेक्टिव्स एंड प्लान ऑफ ऑपरेशन हम देखते हैं इसके बाद जितने जो इन हाउस प्रिपरेशन होगी उसको देख रहे होते हैं वर्क लोड कितना आएगा ये देख रहे होते हैं कौन कौन से प्रोसीजर एडोप्ट किए जाएंगे इसके अलावा स्टाफ इस कितना हमें चाहिए उन स्टाफ के लिए जो एरिया अकोमोडेट करना होगा वो कितना चाहिए वर्क जो जो वहाँ पे जो जो, जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है लेबलिंग हो रही है स्टोरेज हो रही है उसके लिए हमें कितने एरियाज़ की ज़रूरत होगी वो देखते हैं हम इक्विपमेंट कौन कौन सी चाहिए इसके हिसाब से हमें स्पेस कितना चाहिए किन किन मटेरियल्स की ज़रूरत होगी किस तरह हम जो है परफॉर्मेंस को मैक्सिमाइज कर सकते हैं इस तमाम चीज जो इवेलुएट करते हैं इफ़ेक्टिवनेस ऑफ डिज़ाइन जो हमने जो डिज़ाइन किए हैं तमाम चीज़ें वो देखते हैं कितने इफेक्टिव हैं जो प्रोसीजर एडोप्ट कर रहे हैं वो कितने इफ़ेक्टिव हैं इसके अलावा तमाम चीज़ों को भी दोबारा हम रिव्यू कर लेते हैं इसके बाद बेटा हमारे पास लोकेशन आ रही थी कि हॉस्पिटल फार्मेसी के लिए हॉस्पिटल में बेस्ट लोकेशन क्या होगी कि तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि अगर फर्स्ट फ्लोर पर अगर हॉस्पिटल फार्मेसी हम बनाते हैं अगर वहाँ पर आ, आ, कोई आ, और डिपार्टमेंट मौजूद नहीं है तो ये बेस्ट लोकेशन होती है आइडियल बेसमेंट इज़ नॉट डिज़ायरेबल फॉर फार्मेसी के फार्मेसी के लिए बेसमेंट डिज़ायरेबल नहीं होता Uh, अगर हॉस्पिटल बेटा बहुत बड़ा है और एक, एक सेंट्रल फार्मेसी से तमाम सप सप्लाई कंप्लीट नहीं हो सकती हैं डिमांड पूरी नहीं हो सकती तो हर डिपार्टमेंट के साथ सब फार्मेसीज या सैटेलाइट फार्मेसी का कॉन्सेप्ट भी हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इसके अलावा फ्लोर स्पेस पे था कि हमें फ़्लोर स्पेस जो हम किसी हॉस्पिटल फार्मेसी के लिए हम देखते हैं तो वो पहले जब हम देखते थे पास्ट में हमारे पास तो उसके हिसाब से हम नंबर ऑफ़ बेड्स और वर्क लोड ऑफ़ आउट पेशेंट्स देखते थे तो उसके हिसाब से फिर हॉस्पिटल फार्मेसी के लिए हम फ्लोर स्पेस को एलोकेट करते थे नाउ इट इज़ जो फार्मास्यूटिकल सर्विसेज प्रोवाइड करी है नंबर ऑफ़ बेड्स और वर्क लोड ऑफ़ आउट पेशेंट्स के अलावा आई वी एडिटिव प्रोग्राम्स हम देखते हैं इसके अलावा ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर्स अगर हम वहाँ पर साथ में बना रहे हैं क्लिनिकल फार्मेसी प्रोग्राम हम प्रोवाइड कर रहे हैं क्लिनिकल सर्विसेज तो इन तमाम चीज़ों के अकॉर्डिंग जो हो रहा है वो एरिया एलोकेट करते हैं इसके बाद हमने कहा था कि फ्लोर स्पेस हमें फॉलोइंग रीजंस के लिए चाहिए होती है हॉस्पिटल फार्मेसी में क्लीन अप एरिया इस स्ट्राइल मिक्सिंग हमें अगर नॉन स्टाइल मिक्सिंग एंड फ़िलिंग हमें चाहिए होता है अगर नॉन स्ट्राइल प्रोडक्ट वहाँ पे बन रही हैं उनकी मिक्सिंग और फिलिंग प्री पैकेजिंग एरिया चाहिए होता है इंजेक्शन रिकॉन्स्टिट्यूशन एरिया चाहिए होता है लेबलिंग एंड इंस्पेक्शन रूम की ज़रूरत होती, होती है इसके अलावा एट दी एंड क्योरेंटाइन स्टोरेज एरिए की ज़रूरत होती है अप <coughs> एरिया जो हमें चाहिए होता है वो उसकी डिमांड होती है ऑफ अ फार्मेसी इन्वाल्वन कंपाउंडिंग एंड मैनुफेक्चरिंग ऑफ एक्सटेम्पोरेनियस प्रिपरेशन की जो कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग हो रही है उसके लिए क्लिनप एरिया की ज़रूरत होती है नॉन स्टाइल मिक्सिंग एंड फिलिंग रूम की ज़रूरत होती है नॉन स्टाइल मिक्सिंग और फिलिंग जो होता है वो एक्सटेम्प्रेनियस प्रिपरेशन जो बन रही होती हैं उनकी जो मिक्सिंग और फिलिंग होती है इसके अलावा जो जो मटेरियल जो जो वहाँ पर हमें चाहिए होता है उसकी फिलिंग उसकी मेजरिंग उसकी मिक्सिंग उसको होमोजेनाइज उनकी फ़िल्ट्रेशन वो तमाम जो होता है इस, इस के लिए हमें स्पेस की ज़रूरत होती है प्री पैकेजिंग एरिए की हमें ज़रूरत होती है <coughs> जितने में हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वहाँ पर उसको कंटेनर में हमें पैक करने के लिए हमें प्री पैकेजिंग एरिया की ज़रूरत होती है इंजेक्शन रिकॉन्स्टिट्यूशन एरिया की, की जरूरत हो रही है अगर पाउडर फॉर्म में हमारे पास जो आ रहे हैं इंजेक्टेबल्स आ रहे हैं इसका लेबलिंग एंड इंस्पेक्शन रूम तमाम अगर हमारे पास इंजेक्टेबल्स हैं जो चीज़ें जिनका इंस्पेक्ट हमें करना होता है उसके लिए हमें इंस्पेक्शन रूम की ज़रूरत होती है और साथ साथ लेबल के करने के लिए लेबल और इंस्पेक्शन रूम की ज़रूरत होती है क्यूरेंटाइन स्टोरेज एरिया होता है कि बिफ़ोर बायोलॉजिकल क्वालिटी कंट्रोल और केमिकल टेस्टिंग जब तक पास थ्रू डिक्लेयर नहीं हो जाते कि तमाम रे, रेस्ट हमारे सही आ जाए जब तक हमें क्येंटाइन एरिया में हम स्टोरेज कर रहे होते हैं टेम्परेचर कंट्रोल्ड स्टोरेज एरिए की फैसिलिटीज होती हैं जिसकी ज़रूरत होती है हॉस्पिटल फार्मेसी में बेटा इसके लिए हमने डिफरेंट टेम्परेचर्स बताए हैं कि डिफरेंट जो ड्रग मैन्युफैक्चर हो रही हैं उनके रिक्वायरमेंट अलग हो रही है चाहे वो मैन्युफैक्चर हो रही हैं या हम उसे परचेज़ कर रहे हैं उसकी स्टोरेज उस के लिए हमें डिफरेंट टेम्परेचर की ज़रूरत होती है जो यहाँ पर हमने अभी डिस्कस किया था कोल्ड रूम अगर बना रहे हैं अगर हॉस्पिटल छोटा है तो रेफ्रिजरेटर के तौर पे जो होता है वो चीज़ें जो होती हैं हम चीज़ें अपनी मेंटेन कर सकते हैं टेम्परेचर का लेकिन अगर बड़ा हॉस्पिटल है तो वहाँ पर हमें कोल्ड स्टोरेज या कोल्ड रूम की ज़रूरत होती है उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे उसकी तमाम जो रिक्वायरमेंट थी उसे हमने पढ़ा था बेटा फिर इन्वामेंटल कंट्रोल हम किस किस तरीके से कर सकते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें आ रही हैं उसमें इन्वायरमेंटल कंट्रोल फैसिलिटी जो हम प्रोवाइड करेंगे हॉस्पिटल फाइव में वेंटिलेशन होनी चाहिए इक्विपमेंट प्लानिंग होनी चाहिए इक्विपमेंट सेलेक्शन क्राइटेरिया है इक्विपमेंट रिक्वायर्ड है इनको हमने पढ़ा था प्रॉपर जो है वेंटिलेशन होना चाहिए <coughs> इक्विपमेंट प्लानिंग में हमें कौन कौन सी हम प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसके लिए हमें कौन कौन से इक्विपमेंट उसकी भी हम प्लानिंग कर रहे थे इक्विपमेंट सिलेक्शन क्राइटेरिया हम क्या क्या रखते हैं कि एट अ टाइम हम ये कोशिश करते हैं कि वो इक्विपमेंट हम परचेज़ करें कि जो एक से ज़्यादा काम हम उससे हम ले सकें <coughs> इसके अलावा इक्विपमेंट रिक्वायर्ड हमें जो हम प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करेंगे उसके लिए हमें कौन कौन से इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ेगी आगे चलते हैं इक्विपमेंट प्लानिंग जो हमने कहा था कि वहाँ पर हम एज अ कम्युनिटी हम uh, जो हैं डिफरेंट लोग मिलके काम कर रहे होते हैं जिसमें हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर होता है फार्मासिस्ट होता है आर्किटेक्ट होता है एंड परचेज एजेंट ऑफ मटेरियल डिपार्टमेंट एक कोलेबोरेटिव वर्क कर रहे होते हैं इक्विपमेंट प्लानिंग के लिए फिर इक्विपमेंट प्लानिंग में हमने बताया था इक्विपमेंट अगर हम देखते हैं तो हमारे पास दो तरह के इक्विपमेंट्स आ जाते हैं फिक्स्ड इक्विपमेंट आते हैं और दूसरे इक्विपमेंट जो आते हैं बेटा वो हमारे पास मूवेबल इक्विपमेंट्स आते हैं फिक्स्ड में हमारे पास वो होते हैं जो एट द टाइम ऑफ जो बिल्डिंग हमारी कंस्ट्रक्शन हो रही है उस वक्त वो जो होते हैं फिक्स कर दिए जाते हैं जैसे कैबिनेट है काउंटर्स है सिंग्स है एलिवेटर्स हैं तो ये फिक्स्ड इक्विपमेंट्स में और वो इक्विपमेंट जिसे हम इजीली मूव कर सकें एक दूसरे जो उसे हम मूवेबल इक्विपमेंट जैसे कार्ड्स हैं डेस्क हैं बैलेंसेज हैं मिक्सर्स हैं एट्सेट्रा अदर यूटिलिटीज़ में और चीज़ें भी होती हैं जो कि हम हॉस्पिटल फार्मेसी में मेंटेन कर रहे होते हैं जैसे इलेक्ट्रिसिटी है ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जब एक मैनुफेक्चर हो रही होती है वो डिफरेंट जगहों पर सप्लाई कर की जा रही है स्टोरेज के लिए अलग उन्हें स्टोर में भेजा जाता है इसके अलावा डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में उन्हें सप्लाई किया जाता है तो उसके लिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम की जरूरत होती है तो पलम्बिंग की जरूरत होती है फिन फिनिश एरियाज की जरूरत होती है वर्क काउंटर फ्लोर्स और वॉल्स को हम प्रॉपर देख रहे होते हैं किस तरह के वॉल्स होने चाहिए किस तरह का फ्लोर पर ट्रांसपोर्ट सिस्टम को हमने पढ़ लिया कि निमेटिक ट्यूबिंग होनी चाहिए या कन्वेयर बेल्ट होने चाहिए थैंक यू बेटा अल्लाह हाफिज़ यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर वाइंड अप हो जाता है